अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी शेर। एक हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है, 2/5 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट किए -4/5, ठीक है ना। हमें पता है कि एक साथ दो साइनें नहीं आती हैं, इस वजह से उन्होंने ब्रैकेट में -4/5 दिया हुआ है। मैंने आपको बताया हुआ है पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 2/5 -4/5। अब मैंने ये आपको डिटेल में बताया हुआ है कि अगर अपान में हो यानी फ्रैक्शन में अमाउंट हो, बीच में साइन प्लस या माइनस की हो तो हम क्या करेंगे, नीचे वालों को क्या करते हैं, हम एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम निकालेंगे नीचे दोनों वालों की जो डिनोमिनेटर रखूंगी, यानी एक दोनों जो सेम है तो हमारी एलसीएम क्या निकलेगी, सेम ही 5 निकलेगी। 5 जब सेम निकलेगी तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 × 5 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। अब उस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, माइनस 5 को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। उस 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले 4 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। अब 2 − 4 का क्या आंसर आ जाएगा, यानी माइनस के 2 4 हैं तो 2+ का है तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा माइनस का, -2/5, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगर हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर में है डेसिमल में आया है तो हम इसको फर्दर डेसिमल में कर सकते हैं, अगर यही आया है तो हमारा ये आंसर रहेगा, ठीक है। इसी टाइप का कोई भी अगर सवाल दे दे हमारे पास, मिसाल के तौर पर कोई भी क्वेश्चन बना रहा है, यानी 4/16 यहाँ पर माइनस दे रहा है, ऊपर कह रहा है 6/4, ठीक है, इस टाइप का जाए, ये आप लोग ध्यान में रख लें। अगर फ्रैक्शन में हो, अपान में हो, बीच में साइन प्लस या माइनस की तो आप लोग क्या करेंगे, नीचे वालों क्या करेंगे, इन दोनों के डिनोमिनेटर की क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता है, 16, 4, ठीक है। अब 2 का टेबल 2 × 16, 2 × 4, अब 2 का टेबल 2 × 4 = 8, 2 × 4, ठीक है, नीचे करेंगे 2 का टेबल 2 × 4, 2 × 2, अब 2 का टेबल 2 × 2 और सेम, यानी 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16। हमें पता है अगर ऐसे अकसाम के सवाल हों, जैसे 16 और 4 या 24 और 4, ऐसे हम अकसाम के सवालों की जो एलसीएम निकलेगी, जो बड़ा अमाउंट होगा वही सेम रहेगा, यानी 16 इसकी एलसीएम रहेगी। अगर 16 रहेगी तो 16 को 16 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। अब उस 1 को जो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले के साथ वो सेम ही रहता है, ठीक है। अब माइनस, अब 4 को डिवाइड करेंगे 16 के साथ, 4 × 16, ठीक है, 4 × 16 वो 4 आंसर आया। उस 4 को क्या करेंगे, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे, अब 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 × 6 = 24, ठीक है। अब माइनस के 24 हैं और ये प्लस का 4 है तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 20 आएगा माइनस का अपान 16। अब इसको देखें सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको टेबल लगा के सिंप्लीफाई करें, अगर नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ दें। ये होता है 2 × 16, 2 × 10 = 20, अब ये और सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, ये आ गया माइनस का 5, −5/4 इसका भी आंसर आ गया हमारे पास। इसी तरह से कोई भी ऐसा सवाल आ जाए तो आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, या दूसरा ऐसा सवाल आ जाए मिसाल के तौर पर 16/24 प्लस 2/4, ठीक है। अब हमें पता है इन दोनों का जो एलसीएम निकलेगा 24 ही निकला, क्योंकि बड़ा अमाउंट ये है और इसका जो है ये इसमें टेबल इसका लग रहा है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसका रफ फर्क में एलसीएम निकाल सकते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 इसका एलसीएम निकलेगा, ठीक है। अब एलसीएम इसके दोनों का सेम आया तो इसको डिवाइड करेंगे 24 को 24 के साथ तो हमारा 1 आंसर आएगा, 1 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला सेम आता है। अगर डिनोमिनेटर सेम आते हैं, मिसाल यहाँ पर 24 होता हम एलसीएम सेम निकालते और ऊपर वाले भी सेम लिख लेते, मगर यहाँ पर 4 है और 4 का टेबल पढ़ेंगे 24 जहाँ पर आ जाए, 4 × 4 = 16, 4 × 7 = 24, 4 × 7 = 24, अब 7 टाइम टेबल लगा। अब क्या करेंगे हम, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 14, ठीक है। अब 14 और 16 कितने हो जाएंगे, 4 × 6 = 10, ऊपर 1 और ये 3 आ जाएगा, यानी 30/24। अब देखें यहाँ पर टेबल कौन सा लग रहा है, कोशिश किया करें छोटे से छोटा टेबल लगे या ऐसा लगे जो दोनों को सिंप्लीफाई कर ले। अब यहाँ पर जो टेबल लगेगा 2 × 2, 2 × 4, 2 × 2 1 इसको दे दिया, 2 × 5 = 10, ठीक है। 12 को 3 का टेबल लग रहा है, 15 को भी 3 का लग रहा है, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, यानी हमारे पास आंसर जो आ जाएगा 5/4, ये हमारा आंसर रहेगा इसका, ठीक है ना। आप लोग इन सवालों की प्रैक्टिस करें और मैं कोशिश करूंगा जो भी सवाल करवाऊं उनकी थोड़ी सी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करवाऊं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में फीडबैक जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।